પોલીસે તેમની અટકાયત કરી છે। સમાચારોમાં આગળ વધીએ, વાત કરીએ 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે ભાજપ દ્વારા અત્યારથી જનસંપર્ક રૂપરેખા ઘડવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજે ભાજપ युवा महिला लघुमती एससी एसटी मोर्चा की संयुक्त मोर्चा की कारोबारी बैठक अमदावाद बोड़कदेव दीनदयाल उपाध्याय होल में मड़ी थी, जेमा भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, संगठन महामंत्री रत्नाकर, भाजपा प्रदेश महामंत्री तेमज मोर्चा अध्यक्ष भाजपा कार्यकरो हाजरी में आज कार्यक्रम है योजा हो। आ बैठक में केन्द्र सरकार नौ वर्ष सुशासन अंगे मंथन थे, नौ साल बे मिशाल केम्पियन आधारे महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा घड़ाई थी, जे अंगे मोर्चा द्वारा जनसंपर्क अभियान की जवाबदारी सौंपाई। आ उपरांत नागरिकों जोड़ावा माटे पण राष्ट्रीय स्तरे मिसकॉल करीने जोड़ाव माटे अपील करी हती। पूरे अगले महीने के 30 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी सरकार ने 9 साल में गरीब कल्याण के क्या काम किए हैं, देश ने क्या विकास किया है, देश के ट्राइबल शेड्यूल कास्ट ओबीसी समाज के लिए मोदी सरकार ने किस प्रकार की योजना लाई है, इस देश की महिला युवा के प्रति क्या किया है, इसकी जानकारी लेके जनता से संवाद करने का काम भाजपा का हर कार्यकर्ता अगले 30 दिन में करने वाला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय पदाधिकारियों का भी दौरा होगा। और इस दौरे में जो लाभार्थी है उनको मिलना, समाज के मान्यवर लोगों को मिलना, समाज में सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स है उनसे बातचीत करना, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता जिनके कारण आज भाजपा को यह दिन दिख रहे हैं उनके साथ बात करना, ऐसा पूरे एक महीने का कार्यक्रम दिया गया है। और मोदी सरकार के 9 साल होने पर पार्टी का कार्यकर्ता ये सेलिब्रेशन न करते हुए कम्युनिकेशन करने वाला है। आज समग्र विश्व